एक महीने की मोहलत दिए बस, अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो ये घर किसी और को बेच देंगे। मैंने शॉप को सेल पर लगा रखा है, पता करो उसका क्या हुआ। ठीक है। गुरुजी, एस्टेट एजेंट को आपसे बात करनी है। हाँ सेठ जी, दुकान का खरीदार मिला क्या? क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? भगवान की मूर्तियां खंडित होने से वो जगह अशुभ हो गई है, ऐसी अपवित्र जगह कोई नहीं खरीदना चाहता। जमीन की खुदाई में अगर कोई मूर्ति निकल आए तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है, लोग वहां मंदिर बना देते हैं। आपको कोई खरीदार ना मिले तो मेरी इस जमीन को आप भूल जाइए, एक से बढ़कर एक बेवकूफ मौजूद है। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। राम जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने 101 दिन निर्जल उपवास रखने का प्रण लिया है, 1 करोड़ बार उनका नाम भी लिख रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम। 1 करोड़ बार लिखने पर स्याही और पेपर की कितनी बर्बादी होगी। एक काम करो, अपने भगवान से कहो अपने जेवरों की गठरी दे दे, सोने का चक्र दे दे, त्रिशूल दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मांगूंगी तो जरूर दे देंगे, और आप मांगेंगे तो जल्दी मिलेगा। क्या कहा? आप भगवान से बात कीजिए, वो जरूर मदद करेंगे। हाँ जरूर करेंगे, इस तरह बात करूंगा कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। गुरुजी, गुरुजी नहीं, रुकिए रुकिए, सुसाइड सुसाइड, गुरुजी सुसाइड कर रहे हैं। अरे छोड़, इतना कमजोर नहीं हूं मैं, अब मैं कोर्ट जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी पर केस करेंगे तो उम्र निकल जाएगी, आपके जैसे कई लोगों ने केस किए होंगे। उस कंपनी पर तो कई लोगों ने केस किए होंगे, पर किसी ने कृष्णा पर केस नहीं किया होगा। मैं सीधा भगवान पर केस करूंगा। जिसने हमें बर्बाद किया उसे तो कोर्ट ले जाके रहूंगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। हे भगवान, मेरा पैर। क्या हो गया राजू? सुबह सुबह योगा का नया आसन किया तो पैर में मोच आ गई, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जाइए। क्या कहा? गुस्सा मत करो, मैं आता हूँ ना। पगड़ल में, तू चिंता मत कर, अगर भगवान है तो उसे नीचे बुलवा कर ही रहूंगा मैं। गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल है? आपके केस करने पर भगवान क्यों कोर्ट में आएंगे? कोर्ट के नजदीक एक मंदिर है, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पे, बीच में लंच ब्रेक भी होता है, बस उसी ब्रेक में भगवान कोर्ट का चक्कर लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता वो आएंगे गुरुजी। देखता जा बेटा। सर सर, आपका केस लेके मेरे पास आइए। सर मैं आपका केस जीता हूं। वकील की सेल लगी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे ये तो पीछे भाग गया। सिगारे जो चबाने निकल आए। ये आ गया हमारा केस खाने। आप यहाँ आइए सर, ये सब मेरे जूनियर्स हैं। और आप? मैं सीनियर लॉयर हूँ। अच्छा, मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। भगवान को नीचे आना पड़ेगा इस धरती पे मुझे हराने। हाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा। बोलिए सर। किसी ने मेरी दुकान तोड़ दी है। समझ गया, बड़ा क्राइम। दुकान तोड़ने वाला भी बड़ा आदमी होगा? हाँ, दुनिया तो उसे बहुत ही बड़ा समझती है। वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, केस हम लोग ही जीतेंगे। हा? ये मेरी गारंटी है। अच्छा बताइए, उसका नाम क्या है? भगवान। भगवान। सरनेम क्या है सर उसका? सरनेम मतलब वो नाम के आगे क्या लगाता है? शर्मा, वर्मा, पटेल। वैसे उसके मैं कहीं नाम जानता हूँ, पर उसका सरनेम कभी नहीं सुना। समझा, उसका कोई सरनेम नहीं है। उसका एड्रेस भी दोगे तो भी काफी है। जल्दी से उसका ऑफिशियल एड्रेस बताइए। एड्रेस तो उसके मुझे बहुत सारे पता है। केरव काशी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, शिरडी, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका, वैष्णो देवी। किसके इतने एड्रेस होते हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण मंदिर भी है, कुछ लेडीज भी है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। क्यों रे, कब से मूर्ति बना खड़ा है, बता नहीं सकता कि ये पागल है? इसे सीधा यहाँ से पागलखाने लेके जा। प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ सुनो, मैंने एड्रेस पूछा तो तूने क्या बताया? वो काशी में रहता है, तिरुपति में रहता है, द्वारका में रहता है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ में तू ही बचा समझाने के लिए, मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। यहाँ से खड़ा क्यों है? भगवान पर केस करेंगे, टीवी सीरियल ज्यादा देख रहे। अबे नींबू पानी में सिर्फ नींबू है, पानी का है ये भी सटकेला है। सर, अबे भगवान पर केस करेगा, दिमाग खराब हो गया, चल भाग यहाँ से। सुनिए सर, मुझे इस गार्डन से भी निकलवाएगा क्या? चल जाए यहाँ से। सर आप ही ले लीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हारा केस मैं नहीं लड़ सकता, माफ करो, इन्हें लेके जाओ भाई। अरे गुरुजी, तुम्हारा केस ले लो। गुरुजी मेरी बात सुनिए। अरे सुनो तो गुरुजी।
गुरुजी। जड़िया बात सोचे, ये सब मुझे देख के भाग के नहीं लड़ना चाहते, अब क्या करेंगे गुरुजी? टेंशन मत ले, हम एडवोकेट अकबर से मिलने जा रहे हैं। हाँ, एक टाइम में वो फेमस लॉयर था, उसने केस ले लिया तो हमारी जीत पक्की। फिर से काले कोट वाला? मैं दूर ही खड़ा रहूंगा, वरना मार खा खा के गाल पिचक जाएगा। ठीक छे। एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है। अकबर साहब घर पर हैं? अब्बा जान घर पर ही है, आ जाइए। आदाब। काफी मुश्किलों से गुजर रहा हूं। कुछ साल पहले दंगों का एक केस लड़ा था, मैं बेकसूर हिंदुओं की तरफ से वकील था। मेरे कौम वालों को यह बात नागवार गुजरी। अब्बा जान अब चल नहीं पाते। मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के बीच रहते हैं हम। जिन देवताओं पर उन्हें श्रद्धा है उन्हीं के खिलाफ केस लड़ना चाहते हो? आखिर कितने दिनों तक टिक पाओगे? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है अकबर भाई। मुझे देख रहे हो, ऐसी हालत में कैसे केस लड़ूंगा मैं? लेकिन हाँ, अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार ना हो तो तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। नो, देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ, फीस मैं लूंगा, केस तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क ज्यादा जेन्युइन है। मैं सिर्फ एक ही मदद कर पाऊंगा, तुम्हारी तरफ से लीगल नोटिस भेजूंगा बस। ठीक है ना? थैंक यू अकबर भाई। ये लीगल नोटिस कौन से एड्रेस पे भेजना है मुझे? एड्रेस नहीं है, बिना एड्रेस के जज एक दिन में केस खारिज कर देगा। मेरे पास ईश्वर का एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसकी खोज में लोग जिस जगह जाते हैं उस जगह का एड्रेस जरूर है। रिलैक्स स्वामी जी, जस्ट रिलैक्स। गोपाल राव जिनकी दुकान एक भूकंप में ढह गई थी, अब वो ईश्वर के खिलाफ केस लड़ने वाले हैं। मुख्य मंदिर के गुरुओं को गोपाल राव ने लीगल नोटिस भेजा है। लोगों ने गोपाल राव के खिलाफ मोर्चे निकालने शुरू कर दिए हैं। एडवोकेट शंकर नारायण, जिन्होंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है, अदालत में वो भगवान की तरफ से पैरवी करेंगे। रिलैक्स स्वामी जी, रिलैक्स। कोर्ट केस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। और तो और, आपको कोर्ट की शक्ल तक देखनी नहीं पड़ेगी। स्वामी, हमें उसे बुलाना चाहिए, उससे मिलकर उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा। हमारे पथ भिन्न हो सकते हैं, पर पड़ाव एक है। भक्ति की पद्धति भिन्न है, परमात्मा एक है। आज एक साधारण मनुष्य ने उस पर सवाल उठाया, ईश्वर को कोर्ट बुलवाया। वैसे ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है,
ईश्वर में विश्वास करने और ना करने वालों के बीच की लड़ाई है। ईश्वर का अर्थ है धर्म। न्याय पाने हेतु आम इंसान कोर्ट की राह देखते हैं, लेकिन उसने तो न्याय को ही कटघरे में खड़ा किया। आज स्वयं मैं, सिद्धेश्वर महाराज और गोपिका माता कोर्ट जाएंगे, उस मूर्ख प्राणी को थोड़ी बुद्धि प्रदान करेंगे। धर्म क्या है उसे समझाएंगे। विश्व के इतिहास में पहली बार एक आम आदमी ने भगवान पर केस किया है, क्या ये संभव है? हाँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अदालत में भगवान और इंसान में कोई छोटा बड़ा नहीं। अगर भगवान ने गलती की है तो उन्हें भी कोर्ट आना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप करने से पहले एक बार सोच ले। अब ये क्या आफत है? जय श्री राम। ये अच्छा संकेत है गुरुजी। ए, इन्हीं से केस लड़ने के लिए अभी हम कोर्ट जा रहे हैं। हुँ? अच्छा संकेत है। जय श्री राम, जय श्री राम। ए, मुझे नहीं, चल भाग, चल गाड़ी चला। आज केस का पहला दिन है। ये केस एक्सेप्ट होगा भी या नहीं, ये जानने के लिए सारा देश उत्सुक है। यहाँ भगवान के बहुत सारे भक्त गोपाल राव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़े बड़े स्वामी कोर्ट आ रहे हैं।